क्या वन पीस के अंदर लूफी सच में टाइम ट्रैवल करेगा? क्योंकि वन पीस के वर्ल्ड के अंदर हमने एक बार टाइम ट्रैवल तो देखा है। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ टोकी टोकी नोमी डेविल फ्रूट के बारे में। इस डेविल फ्रूट का सबसे पहला यूजर हमने देखा था वानो कुनी में, जो कि मोमोनोस्के की मॉम है। मोमो की मॉम ने अकाजा और मोमोनोस्के को 20 साल फ्यूचर के अंदर भेज दिया था। इस डेविल फ्रूट का जो यूजर होता है वो अपने आप को और साथ साथ बाकी लोगों को भी फ्यूचर के अंदर भेज सकता है। और ऐसा भी नहीं है कि यूजर बस 20 साल ही आगे फ्यूचर में जा सकता है। यहाँ पर इसे बताया जा रहा है कि यूजर के हिसाब से किसी भी स्पेसिफिक मोमेंट पे वो डेविल फ्रूट यूजर किसी को भी किसी भी टाइम में भेज सकता है। लेकिन इस डेविल फ्रूट के अंदर एक कमी है कि जो यूजर रहता है वो पास्ट के अंदर नहीं जा सकता, वो बस फ्यूचर के अंदर ही जा सकता है। और आपने कभी न कभी ये वन पीस की फेमस थ्योरी तो सुनी होगी कि लूफी टाइम ट्रेवल करने वाला है, मतलब वो पास्ट के अंदर जाएगा। और जो हम बोलते हैं कि गोमो गोमो नोमी का पहला यूजर जॉय बॉय था, वो असलियत में लूफी हो सकता है। अगर वन पीस में फ्यूचर के अंदर जाने की पावर रखने वाला डेविल फ्रूट एग्जिस्ट करता है तो पास्ट के अंदर जाने वाला डेविल फ्रूट भी एग्जिस्ट करता ही होगा। अगर लूफी सच में किसी डेविल फ्रूट का यूज करके या किसी टाइम ट्रैवल वाली मशीन का यूज करके पास्ट के अंदर जाएगा तो यहाँ पर वन पीस की स्टोरी काफी ज्यादा गुना इंटरेस्टिंग हो सकती है। लेकिन लूफी के पास में ऐसा कौन सा रीजन रहा होगा कि वो पास्ट के अंदर जाएगा? एक तो रीजन हो सकता है कि वो सीधा लाफ टेल के पास में पहुंच नहीं पाया, जो कि एंड आइलैंड है जहाँ पर बताया जाता है कि वन पीस रखा गया है। हो सकता है कि लूफी के सामने ऐसा कोई एनिमी आ गया जिसको डिफीट करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो, या हो सकता है कि लूफी और उसका क्रू वन पीस के पास में पहुंच गया और उसके पास में कोई भी चीज करने के लिए नहीं बची होगी, इसलिए वो टाइम ट्रैवल करके सीधा पास्ट के अंदर जाएगा और वहीं से ग्रेट पायरेट एरा शुरू करेगा। क्योंकि जब गोल्डी रॉजर ने वन पीस को ढूंढा था तो वहां पे जाके वो हंसने लग गया था। वहां पर वो बोला था कि इस वाले आइलैंड का नाम वो लाफटेल रखने वाला है, क्योंकि वहां पर उसको ऐसी कोई चीज दिखी थी जिसकी वजह से वो हंसने लग गया था। और लूफी के टाइम ट्रैवल वाली थ्योरी के अंदर बताया जाता है कि लूफी ने लाफटेल के ऊपर एक नोट लिख के रखा है जिसके अंदर लूफी ने लिखा है कि मैं मंकी डी लूफी, मैं अकेला ही पायरेट किंग हूँ। और ग्रेट पायरेट एरा शुरू करने के लिए लूफी ने अलग अलग पोनीक्लिप्स बनाए और उसको अलग अलग जगह पे रख दिया। और बात रही एंशिएंट किंगडम की, तो ऐसा बोला जाता है कि जो जॉय बॉय है वही एंशिएंट किंगडम का किंग हुआ करता था। और जो एंशिएंट किंगडम था वो उसके टाइम से कुछ ज्यादा डेवलप बताया जाता है, तो ऐसा भी हो सकता है कि लूफी सच में टाइम ट्रैवल करे और वहां पर अपना एक खुद का किंगडम बनाए और उसको काफी ज्यादा गुना डेवलप कर ले। और जो एंशिएंट रोबोट हमने एगहेड के ऊपर देखा था वो भी फ्रैंकी ने ही बनाया हो, क्योंकि वो रोबोट जॉय बॉय के हार्ट बीट को सुन के एक्टिव हो रहा था। हमको बस उस वाले रोबोट के बारे में इतना ही पता है कि उसको किसी ने ऑर्डर दिया था कि वो सीधा जाके मर्जबा को डिस्ट्रॉय कर दे, लेकिन वो अपने काम को पूरा नहीं कर पाया था, इसीलिए वो एगहेड के ऊपर ही पड़ा है। शायद से फ्यूचर के अंदर वो लूफी के कुछ काम आएगा। और भी ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स है जो कि इस वाले थ्योरी को थोड़ा सा सेंसिबल बनाते हैं कि एक्चुअली टाइम ट्रेवल हो भी सकता है। तो आपके क्या ओपिनियन से इस वाली थ्योरी को लेके मुझे कमेंट करके जरूर बता देना। वन पीस की हिस्ट्री में ऐसा कौन सा कैरेक्टर है जो कि सबसे ज्यादा स्ट्रांग है या वो स्ट्रांग हुआ करता था? वन पीस के वर्ल्ड के अंदर अगर हम पावर सिस्टम को देखें तो आप बोलोगे कि जिसके पास में सबसे अच्छा डेविल फ्रूट होगा वही सबसे ज्यादा स्ट्रांग होगा। एक स्ट्रांग डेविल फ्रूट की बात तो सही है, लेकिन वन पीस के वर्ल्ड के अंदर हाकी बहुत ज्यादा मैटर करती है। आपने वन पीस के अंदर ऐसे बहुत सारे लेजेंडरी कैरेक्टर्स देखे होंगे जिनने अभी तक डेविल फ्रूट नहीं खाया, फिर भी वो अच्छे अच्छे कोई बैंड बजा सकते हैं, जैसे कि र्यूमा हो गया, गोल्डी रॉजर हो गया, शांक्स हो गया और अपना गॉड वैली का हीरो गार्फ हो गया। ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर्स है जिनने कोई भी डेविल फ्रूट ईट नहीं करा। लेकिन क्या होगा अगर एक बंदे ने अपनी हाकी को भी फुल्ली तरीके से मास्टर कर लिया और साथ साथ अपने डेविल फ्रूट को भी अवेकन कर लिया? फिर तो उसकी पावर लेवल कुछ ज्यादा आगे बढ़ जाएगी। अभी के टाइम पर वन पीस के वर्ल्ड के अंदर ऐसे बहुत सारे बंदे हैं जिन लोगों ने एक चीज में तो मास्टरी करके रखी है और लूफी ने अभी तक अपने डेविल फ्रूट्स की पावर्स को पूरी तरीके से अनलॉक नहीं करा है। ऐसे दो ही बंदे थे जो कि वन पीस के अंदर कुछ ज्यादा स्ट्रांग थे। नंबर वन है अपना जॉय बॉय और सेकंड है अपना जी बैक। वाइट बियर्ड भी ऐसा एक स्ट्रांग बंदा था जो कि अपने प्राइम स्टेज में नहीं होने के बावजूद भी काफी ज्यादा स्ट्रांग था। जब हमने वाइट बियर्ड को मरीन फोर्ड के ऊपर देखा था तब तो हमको लगा था कि भाई अभी एज तो बची जाएगा और वाइट बियर्ड तो सारे के सारे मरीन्स की बैंड बजा देंगे, लेकिन वाइट बियर्ड के उसके प्राइम स्टेज के अंदर ना होने की वजह से हमको उसकी फुल्ली पावर्स देखने को नहीं मिली। अभी फिलहाल के टाइम पे वन पीस के वर्ल्ड के अंदर यिमू सबसे बड़ा वाला थ्रेड बन चुका है, क्योंकि अगर फाइव गोरोस है जो कि पांचों के पांचों इतने ज्यादा स्ट्रांग होने के बावजूद यिमू को फॉलो करते हो तो यिमू की पावर तो कुछ ज्यादा अलग लेवल पे होगी। और भी ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर्स है जिनकी हमको फुल्ली तरीके से पावर्स तो देखने को ही नहीं मिली है, जिनमें से नंबर वन तो आता है अपना ड्रैगन। ये भाई साहब स्टार्टिंग के वन पीस के एपिसोड में दिखा था, तब से बंदा गायब ही है। अभी तक हमको ये भी नहीं पता कि इसके पास में कौन सा डेविल फ्रूट है और इसकी पावर लेवल क्या है। हमको बस यही पता है कि लूफी के फादर के पास में वेदर को कंट्रोल करने वाला कोई तो डेविल फ्रूट है, लेकिन वो भी अभी कंफर्म नहीं हुआ है। और रही बात शांक्स और गार्ब की, तो गार्ब के तो हमको रिसेंट चैप्टर्स के अंदर थोड़े बहुत फाइट सीन देखने को मिले हैं, जहाँ पर ना ही वो अपने प्राइम स्टेज के अंदर था, फिर भी वो बंदा भाई कुछ ज्यादा डिस्ट्रक्शन
मजा आ रहा था। और रही बात शांक्स की, तो भाई रिसेंट चैप्टर्स के अंदर हमने देखा था कि भाई किड के पूरे शिप को भाई शांक्स ने एक ही झलक में डुबा दिया था। और हाँ, अभी तक हमको शांक्स के पावर्स के बारे में भी इतना कुछ पता नहीं चला है। वो बंदा बस अपने हाके के दम के ऊपर बड़े बड़े डिस्ट्रक्शन कर सकता है। और भाई हम आओकुजी और अकाइनो को कैसे बोल सकते हैं, ये दोनों के दोनों अपने से काफी ज्यादा डिफरेंट है। जहाँ पर अकाइनो भाई साहब ने तो मरीन फोर्ड के ऊपर पूरे डोनो डी बना दिए थे, ये बंदा भाई पूरा का पूरा मैग्मा के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। और अभी मैं वेट कर रहा हूँ कि कब हमको फिर से अकाइनो बैटल के अंदर देखने को मिलता है। और रही बात आओकुजी की, तो हमने रिसेंट चैप्टर के अंदर देखा था कि भाई पायरेट आइलैंड के ऊपर उसने पूरे के पूरे बंदों को जमा के रख दिया था। और हाँ, हम सेनगोकू को कैसे भूल सकते हैं, भाई इस बंदे के पास में हीटो हीटो नोमी मॉडल दाइबुत्सु है। मरीन फोर्ड के अंदर इस बंदे ने पूरे के पूरे गोल्डन बुद्धा के अंदर ट्रांसफर होके दिखाया था। शायद से वो वन पीस के वर्ल्ड के अंदर पहला ऐसा अवेकन फॉर्म था जो कि हमने सबसे पहले देखा था। और रही बात मिहॉक की, तो भाई मिहॉक भाई सब आजकल कुछ ज्यादा ही छुप छुप के रह रहे हैं। जब से भाई क्रॉस गिल्ड बनी है तब से मिहॉक तो कुछ ज्यादा ही बिजी हो चुका है। अब वेट नहीं होता कि कब हमको मिहॉक और जोरो की फाइट देखने को मिलेगी, वो फुली जल्दी ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने हो। क्रॉस गिल्ड की बात आई रही तो भाई अपनी बग्गी समा को भी ले ही लेते हैं। भाई मैं तो भाई वेट कर रहा हूँ कि कब जाके अपने बग्गी समा को गुस्सा आता है, वो अपने डेविल फ्रूट को अवेकन कर लेते हैं। मेरे को तो स्टार्टिंग से ऐसा ही लगता है कि भाई बग्गी जाम्बोस की अपने आप को कमजोर दिखाता है, रियलिटी में वो बंदा काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग ही है। और अपने नए नए बने हुए यांको मार्शल डी टीच, ये भाई साहब ने तो भाई लॉ को पता नहीं एकदम से घेरे में ले लिया। उसके बाद से हमको ना ही लॉ का कुछ पता चला है, ना ही हमको मार्शल डी टीच का कुछ पता चला है। ये बंदा पता नहीं भाई ज्यादातर टाइम में बैकग्राउंड में रह के कुछ तो भी खुराबाते चीजें करता रहता है। अब तो भाई उसके क्रू के ऊपर सारे के सारे डेविल फ्रूट यूजर भरे पड़े हैं। तो अभी के टाइम पे मेरे हिसाब से नंबर वन पे आती है यूमू, जो कि सबसे ज्यादा स्ट्रांग है। और मैं बाकी कैरेक्टर्स को अभी फिलहाल रैंक नहीं करना चाहता क्योंकि उनका अभी हमको ट्रू पोटेंशियल देखने को नहीं मिला है। और बात रही लूफी की, तो लूफी ने अपने डेविल फ्रूट को अभी तक पूरी तरीके से फिगर आउट नहीं करा है। अगर वो अपनी इमेजिनेशन पे कंट्रोल कर लेता है तो शायद से हमको उसके बैडास पावर्स भी देखने को मिल जाए, क्योंकि गियर 5 के बाद में बस लूफी को अभी इमेजिन ही करना है। जो चीज वो इमेजिन करेगा उसी टाइप की पावर्स उसको मिलने वाली है। लेकिन लूफी का दिमाग तो अभी फिलहाल बच्चे जैसा ही है, इसलिए जो भी गूफी चीज उसके दिमाग में आती है वैसे ही वो अपने गियर 5 को यूज करता है। तो आपके हिसाब से अभी वन पीस के कैरेक्टर्स की पावर रैंकिंग क्या है मुझे कमेंट करके जरूर बता देना। जरा मैं भी देखूं कि आपको क्या लगता है कि नंबर 1 स्पॉट पे कौन है और नंबर 10 पे कौन आता है। आखिर कौन है मैन मार्क्ड बाय फ्लेम? वन पीस के रिसेंट एपिसोड के अंदर हमने देखा कि किड किसी आदमी की बात कर रहा था जिसको कि फ्लेम्स के मार्कर्स है, और उसी बंदे के पास में अपने वन पीस के वर्ड का लास्ट रेड पोनीक्लिप भी है। तो वन पीस के वर्ड के अंदर ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर एग्जिस्ट करते हैं जिनके कोई ना कोई बर्न स्कार हुआ हो या उनके बॉडी के ऊपर कहीं ना कहीं फ्लेम टाइप मार्कर हो। तो अभी के टाइम वन पीस के वर्ड के अंदर ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर एग्जिस्ट करते हैं जिनके की बॉडी के ऊपर कहीं ना कहीं बर्निंग स्कार हो या बर्निंग मार्कर्स हो, जिनमें से मेन कैरेक्टर जैसे कि साबो, लूफी का फादर ड्रैगन, साथ साथ में अपना शैंक्स, उसके पास में बर्निंग स्कार तो है ही नहीं लेकिन उसके चेहरे के ऊपर एक स्कार है। और सबसे मेन बंदा अपना हो गया जगुआर डी सोल, उसके पास में होने के चांसेस तो काफी ज्यादा है। लेकिन यहाँ पर 80% चांसेस ऐसे है कि भाई जो अपना लास्ट पोनीक्लिप है वो ड्रैगन के पास में हो सकता है, क्योंकि जब सेकंड टाइम हमने लास्ट रेड पोनीक्लिप के बारे में सुना था जब ब्लैक बेयर्स पायरेट्स अपने आओकुजी से बात कर रहे थे, ये बात तब की है जब पायरेट आइलैंड के ऊपर आओकुजी ने ब्लैक बेयर्स पायरेट्स को ज्वाइन करा था। वहाँ पर ब्लैक बेयर्स पायरेट्स आओकुजी को बोल रहे थे कि तुम्हारी बॉडी के ऊपर भी तो भाई एक बर्निंग स्कार है, कहीं ऐसा तो है नहीं ना कि वो लास्ट वाला पोनीक्लिप तुम्हारे पास में ही हो। जहाँ पर आओकुजी उनको बोलता है कि ये वाला स्कार तो मुझे रिसेंट में मिला है। ये बात तब की है जब अकाइनो और आओकुजी की फाइट हुई थी, जहाँ पर ब्लैक बेयर्ड पायरेट बोलते कि वो वाला पोनीक्लिप तो तुम्हारे पास में हो भी नहीं सकता क्योंकि तुम्हारे पास में तो कोई भी ब्लैक कलर की शिप नहीं है। वो लोग बोलते कि जिस वाले बंदे के पास में वो लास्ट वाला पोनीक्लिप है उसके पास में एक ब्लैक कलर की शिप है, और जो भी उस वाले शिप के अंदर जाता है वो एक भवंडर के अंदर ही गायब हो जाता है। तो यहाँ पर 99% चांसेस ऐसे है कि भाई जिस वाले बंदे के पास में वो वाला रेड पोनीक्लिप होगा उसके पास में कोई ना कोई वेदर को कंट्रोल करने वाला डेविल फ्रूट होगा। जैसा कि बोला जाता है कि ड्रैगन के पास में भी एक डेविल फ्रूट है जिससे वो वेदर को मैनिपुलेट कर सकता है। लेकिन यहाँ पर एक बात है कि हमने आज तक ड्रैगन के पास में कोई भी शिप नहीं देखी है, या होगी भी तो हमको आज तक उसको दिखाया नहीं गया है, क्योंकि ड्रैगन ज्यादातर टाइम पे उसके रेवोल्यूशनरी आर्मी के बेस के
अंदर ही रहता है। रिसेंट चैप्टर के अंदर हमको ड्रैगन एक शिप के ऊपर देखने को तो मिला, लेकिन वो वाली शिप तो काफी ज्यादा छोटी लग रही है और ना ही वो कहीं से ब्लैक लग रही है। शायद ऐसा भी हो सकता है कि ड्रैगन बाद में जाके कोई बड़ी शिप ले ले, क्योंकि ये जो हमको दिखाया गया चैप्टर के अंदर ये तो एक फ्लैशबैक है जहाँ पर ड्रैगन काफी ज्यादा यंग था। तो बात रही सोल्टी जैगवार की, तो अभी फिलहाल हमको पता है कि वो अभी तक जिंदा है। जब लास्ट टाइम ओरा को जलाया जा रहा था तब उसने ओरा के ऊपर की जितनी सारी बुक्स थी उनको बचा के किसी शिप के ऊपर लेके गया था। ये बात हमको एगेड के ऊपर पता चली थी डॉक्टर वेगापंक से, जब वो रॉबिन को बता रहा था कि सोल्टी जैगवार अभी जिंदा है। यहाँ पर मैन मार्क बाय फ्लेम की बात शुरू हुई थी किड से, और वानो कंट्री के बाद में किड ने सीधा शांक्स के ऊपर अटैक कर दिया था। शायद से उसको लगा था कि भाई जो लास्ट रेड पोनी क्लिप है वो शांक्स के पास में है, लेकिन वहां पर भाई शांक्स ने उसकी पूरी की पूरी शिप को एक अटैक के अंदर ही डिस्ट्रॉय कर दिया था। उसके बाद में हमको ना ही किड का पता चला है ना ही शांक्स का पता चला है। तो रही बात साबो की, तो मुझे नहीं लगता कि साबो के पास में अभी वो रेड पोनी क्लिप हो सकता है, क्योंकि वो गॉड वैली के ऊपर तो गया था लेकिन वो बस कुमा को बचाने गया था, और उसने वहां पर जो जो चीजें देखी जैसे कि इमू समा के पावर्स और साथ साथ सारे के सारे फायर एल्डर्स के भाई अपने डेविल फूड का फाइनल फॉर्म, और इसके बाद से हमको ज्यादातर कोई चीजें पता नहीं चली है और ना ही हमने साबो के पास में कोई ब्लैक कलर की शिप भी देखी है। तो आपको क्या लगता है कि लास्ट जो रेड पोनी क्लिप है वो किसके पास में होगा? यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि एक तो सोल्डी जैगुआर के पास में होगा या सेकंड अपने ड्रैगन के पास में भी हो सकता है, क्योंकि ड्रैगन के पास में तो भाई वेदर को कंट्रोल करने वाली एबिलिटीज है। और जैसा कि ब्लैक बेर्ड पायरेट ने बोला था कि जो भी शिप उस वाले ब्लैक शिप के पास में जाती है वो समंदर के अंदर ही डूब जाती है। तो आपको इस वाले थ्योरी के बारे में क्या लगता है मुझे कमेंट करके जरूर बता देना। वन पीस की स्टार्टिंग से आपके दिमाग में भी यह सवाल कभी न कभी आया होगा कि भाई शैंक्स एक्चुअली में अच्छा बंदा है या वो बस अच्छा होने का नाटक करता है। तो देखो एनिमे और मांगा के अंदर हमको जितनी बार शैंक्स को दिखाया गया है उतनी बार भाई शैंक्स कोई ना कोई अच्छा काम ही कर रहा होता है। लाइक हमको शैंक्स के बारे में इतना कम दिखाया जाता है कि उसकी कोई एक्चुअली में बुरी साइड भी हो सकती है जिसके बारे में हमको बिल्कुल भी नहीं पता है। तो चलो एकदम से शुरुआत से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमको शैंक्स को पुशा विलेज के अंदर दिखाया गया था जहाँ पर वो लगभग एक साल तक रहा था, और वहीं पर ही उसकी मुलाकात अपने लूफी से होती है। लेकिन यहाँ पर एक मजे की बात यह है कि भाई जिस जगह पे शैंक्स एक साल से रह रहा था वहीं पर ही उसके फॉर्मर कैप्टन का बेटा एज भी रह रहा था, लेकिन वहाँ पर लगभग एक साल तक रहने के बावजूद भी उसको कैसे पता नहीं चला कि वहाँ पर एज भी रहता है। लाइक लूफी और एज एक ही जगह पर रहते थे तो लूफी ने कभी शैंक्स को एज के बारे में नहीं बताया। अगर एज ने लूफी को बता के रखा होगा कि उसके बारे में किसी को बताना नहीं है, लेकिन हम इतना तो लूफी को जानते हैं कि वो फोर्ड के चक्कर में किसी के भी राज को उगल सकता है। तो यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि शैंक्स को पहले से एज के बारे में पता था और वो जानबूझ के फूशा विलेज के अंदर ही रह रहा था, और जब वो वर्ल्ड गवर्नमेंट से गमु गमु नोमी को चोरी करके लाता है तो वो सबसे पहले फूशा विलेज के अंदर ही जाता है। मे बी यहाँ पर उसका ये प्लान रहा होगा कि उसको गमु गमु नोमी को एज को खिलाना होगा, लेकिन यहाँ पर उसके प्लान के ऊपर पानी फेरने वाला लूफी भी रहता है जो कि गमु गमु नोमी को खा लेता है। लाइक यहाँ पर शैंक्स एज को सनगॉड बनाना चाहता था, लेकिन यहाँ पर गमु गमु नोमी ने लूफी को चुना। और आपको ये बात थोड़ी सी अजीब नहीं लगती कि जिस डेविल फ्रूट को वर्ल्ड गवर्नमेंट इतनी ज्यादा टाइम से ढूंढ रही थी बाद में वो वाला डेविल फ्रूट उनके हाथ में लग जाता है, लेकिन एकदम से शैंक्स आता है उस वाले डेविल फ्रूट को चोरी कर लेता है। और इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट डेविल फ्रूट को चोरी करने के बावजूद भी वर्ल्ड गवर्नमेंट शैंक्स को रोकने के लिए कुछ करती नहीं है। यहाँ पर हमको शैंक्स के पास्ट के बारे में कुछ भी नहीं पता है, यहाँ पर बस हमको ये पता है कि गोल्डी रॉजर को शैंक्स जो है वो गॉड वैली के ऊपर एक चेस्ट के अंदर मिला था, और गॉड वैली के बारे में हमको ये पता है कि गॉड वैली के ऊपर स्लेव हंटिंग के टूर्नामेंट हुआ करते थे जिसके अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए सेलेस्टियल ड्रैगन से लेकर फाइव एल्डर्स भी आया करते थे। तो इसके हिसाब से शैंक्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। वही हमको शैंक्स और वर्ल्ड गवर्नमेंट के कनेक्शन के बारे में बहुत सारे हिंट्स देता है। यहाँ पर ये हो सकता है कि शैंक्स एक तो सेलेस्टियल ड्रैगन है या वो इमू का बेटा है, इसलिए मरी फोर्ड के टाइम पे शैंक्स के बोलने के बाद में सेनगोकु ने वॉर को रोक दिया था। और यहाँ पर ये बात भी क्लियर हो जाती है कि गमु गमु नोमी को चोरी करने के बावजूद भी वर्ल्ड गवर्नमेंट ने शैंक्स को लेकर कुछ खड़ा क्यों नहीं। और यही पर बात आती है कि शैंक्स एक्चुअली में इविल है, तो भाई उसने लूफी के लिए अपने हाथ को सैक्रिफाइस क्यों करा? लाइक हमने वहां पर साफ साफ देखा था कि उसने सी मॉन्स्टर को भगाने के लिए हाकी का यूज करा था। यहाँ पर ऐसा तो नहीं हो सकता है कि उस टाइम शैंक्स को कॉन्करर्स हाकी आती थी लेकिन उसको आर्मामेंट हाकी नहीं आती थी, बल्कि लूफी ने तो टाइम स्किप के बाद ही भाई आर्मामेंट हाकी को मास्टर कर लिया था। और हमने बहुत सारे फ्लैशबैक के अंदर हाकी की क्लासेस होते हुए देखे और आर्मामेंट हाकी को यूज होते हुए भी देखा है। यहाँ पर ऐसा तो नहीं हो सकता है कि ओडा सेंस ने सबसे पहले हाकी के बारे में नहीं सोचा, उनने बस डेविल फ्रूट की पावर्स के बारे में सोचा था और बाद में जाके ओडा सेंस ने हाकी को वन पीस के अंदर ऐड करा होगा। तो यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि शैंक्स ने जानबूझ के अपने हाथ को सैक्रिफाइस करा हो इवन दो उसको आर्मामेंट हाकी आती हो, क्योंकि वहां पर उसके पास में और कोई चॉइस बची नहीं थी। अगर वो लूफी को नॉर्मली रेस्क्यू कर लेता तो भाई जितना भी लूफी शैंक्स को इम्पोर्टेंस देता है उतना शायद से वो नहीं देता, इसलिए शैंक्स ने जानबूझ के अपने हाथों की कुर्बानी दी। एक तो उसको भाई गमु गमु नोमी को बचाना था और दूसरा उसको लूफी के सामने सुप्रीम बनना था। अगर वो वहां पर
गमो गमो नोमी को खो देता तो भाई पता नहीं कहाँ पर जाके गमो गमो नोमी स्पॉन होता। इसलिए उसने लुफी को अपनी स्ट्रॉ हैट देके उससे प्रॉमिस करा था कि जब लुफी बहुत बड़ा वाला पायरेट बन जाएगा तभी जाके शैंक्स जो है वो लुफी से मिलेगा। लाइक शैंक्स यही चाहता था कि लुफी न्यू वर्ल्ड के अंदर जाके पावरफुल ओपोनेंट से लड़े और अपने सन गॉड की पावर्स को अवेकन कर ले। और इसलिए लुफी जब भी कुछ अचीव करता था तो शैंक्स जो है वो खुश हो जाता था। लाइक उसको पता चल रहा था कि भाई लुफी जो है वो अपनी पावर्स को अवेकन करने के पास आते जा रहा है। और बाद में जाके जब लुफी ने अपनी सन गॉड निका की पावर्स को अवेकन कर लिया तभी जाके भाई शैंक्स बोलता है कि अभी टाइम आ चुका है वन पीस को क्लेम करने का। लाइक यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि लाफ टेल और सन गॉड निका के अवेकन होने में कोई ना कोई कनेक्शन है। इन दी एंड ऐसा हो सकता है कि शैंक्स बस लुफी को सैक्रिफाइस करना चाहता है अपने पर्सनल गोल के लिए। और जब शैंक्स मरीज वाइज के ऊपर फाइव एल्डर से मिलने गया था तो भाई वो सर्टन पायरेट के बारे में बात कर रहा था, तो शायद से वो सर्टन पायरेट कोई और ना हो कि अपना लुफी हो। तो आप इस थ्योरी के बारे में क्या सोचते हो मुझे कमेंट करके जरूर बता देना। तो क्या होगा अगर लुफी ने जिन जिन को अपने क्रू पे इनवाइट करा वो सारे के सारे लोग लुफी के क्रू को ज्वाइन कर लेते हैं? तो देखो लुफी के जर्नी के शुरुआत से ही उसने बहुत सारे अलग अलग लोगों को अपने क्रू के ऊपर इनवाइट करा था, जिनमें से ज्यादातर टाइम लुफी ने तो भाई वियर्ड दिखने वाली चीजों को भी इनवाइट करा था। जहाँ पर हम बात करें किनेमोन की, तो अपने लुफी ने भाई किनेमोन के लेग्स को देखा और उसको बोला कि भाई तुम मेरे क्रू को ज्वाइन कर लो। उसने किनेमोन को नहीं बोला था, उसने किनेमोन के लेग्स को बोला था। अगर ऐसा होता कि सारे के सारे लोग ज्वाइन कर लेते तो भाई वन पीस की स्टोरी में काफी बड़े वाले चेंजेस आते हैं। तो चलो एकदम से शुरुआत से शुरू करते हैं। जब लुफी छोटा था तो उसने भाई साबो और एस को बोला था कि मेरे क्रू को ज्वाइन करो। तो इन दोनों के ज्वाइनिंग होने के बाद में लुफी के क्रू के ऊपर ऑलरेडी दो मेंबर हो जाते हैं। लेकिन बाद में जब साबो की सारी के सारी मेमोरी चली जाती है तो वो लुफी के क्रू को छोड़ देगा, मतलब वो लुफी के बारे में ही भूल जाएगा। फिर उसके बाद में लुफी और एस मिलकर अपनी जर्नी की शुरुआत करेंगे। उसके बाद में उनको सबसे पहले मिलेगा अपना कोबी। लेकिन यहाँ पर कोबी जो है वो ज्वाइन नहीं करेगा क्योंकि वो स्टार्टिंग से ही भाई पायरेट्स को काफी ज्यादा हेट करता था और उसका सपना जो था वो नेवी में जाने का था। तो मेरे हिसाब से कोबी ज्वाइन नहीं करेगा। लेकिन अगर कोबी लुफी के बोलने के बाद में अपने सपने को छोड़ देता है तो वो भी लुफी के क्रू को आगे चल के ज्वाइन कर लेगा। अब अभी आगे आते हैं जोरो के ऊपर। जब भाई एस और लुफी मिलके जोरो को बचा लेंगे तो भाई जोरो अपने आप ही लुफी के क्रू को ज्वाइन कर लेगा। और इस टाइम लुफी के क्रू के ऊपर एक नेविगेटर की बहुत ज्यादा जरूरत रहेगी जो कि अपनी नामे रहेगी। मुझे पता है कि अभी बहुत सारे लोग बोलेंगे कि एस जो है वो थोड़ा बहुत नेविगेट कर लेता है, लेकिन इस वाले टाइमलाइन के अंदर एस ने अपनी सोलो जर्नी शुरू नहीं करी थी, इसलिए उसके पास में अपना डेविल फ्रूट भी नहीं रहेगा और ना ही उसको ग्रैंड लाइन के बारे में इतनी कुछ चीजें पता रहेगी। इसलिए उनको जरूरत पड़ेगी नामी की। तो आगे चल के लुफी नामी को अपने क्रू के ऊपर ज्वाइन करने के लिए मना ही लेगा। आगे चल के आर्लोंग को हराने के बाद में लुफी और उसका क्रू एक आइलैंड के ऊपर पहुंचेगा जहाँ पर उनको गायमोन मिलेगा। वहां पर लुफी ने उसको भी अपने क्रू के ऊपर इन्वाइट करा था तो वो भी भाई फाइनली लुफी के क्रू को ज्वाइन कर लेगा। आगे चल के लुफी और उसका क्रू पहुंचेंगे उसाप के आइलैंड के ऊपर जहाँ पर सारे पायरेट्स को हराने के बाद में फाइनली अपना उसाप भी लुफी के क्रू को ज्वाइन कर लेगा। अभी ज्यादातर लोग अपने क्रू के ऊपर आ चुके हैं, लेकिन अपने क्रू के ऊपर अभी एक कुक की जरूरत है जो कि रहेगा सांजी। तो उसके बाद में हम बराटिये पे जाएंगे जहाँ पर सांजी लुफी के क्रू को ज्वाइन कर लेगा। और सांजी के ज्वाइन होते ही हम सीधा जाएंगे आर्लोंग पायरेट्स को हराने के लिए। और उसको हराने के बाद में हम सीधा ग्रैंड लाइन में प्रवेश करेंगे और वहीं पर हमको अपना न्यू क्रू मेंबर मिलेगा। और जब लुफी को पता चलेगा कि ओल्ड मैन क्रोकोस एक डॉक्टर है इसलिए वो उसको भी इन्वाइट करेगा और वो भी फाइनली लुफी के क्रू को ज्वाइन कर लेगा। लेकिन अभी अपने पास डॉक्टर भी आ चुका है तो आगे चल के भाई अपना टोनी टोनी चॉपर अपने क्रू को ज्वाइन नहीं करेगा क्योंकि अभी जब नामी बीमार रहेगी तब अपना ओल्ड डॉक्टर क्रोकस उसको ठीक कर लेगा। क्योंकि भूलना मत अपने क्रोकस भाई साहब पायरेट किंग के क्रू के ऊपर थे इसलिए भाई वो काफी ज्यादा बड़े डॉक्टर है। आगे चल के हम वीवी और उसके बदक से मिलेंगे। और एलाबास्टा के एंडिंग में जब हम क्रोकोडाइल को हरा देंगे तो अपने क्रू के ऊपर तीन न्यू मेंबर्स ज्वाइन करेंगे। सबसे पहले रहेंगी वीवी और उसका बदक, बाद में अपनी रॉबिन भी ज्वाइन कर लेगी। इनके ज्वाइन होने के बाद में हम सीधा जाएंगे स्काई आइलैंड के ऊपर, लेकिन वहां पर लुफी ने किसी को भी इनवाइट नहीं करा था। तो हमारे नेक्स्ट क्रू मेंबर की तलाश में हम सीधा जाएंगे वाटर 7 जहाँ पर लुफी की मुलाकात होगी आइसबर्ग से, जहाँ पर लुफी आइसबर्ग को बोलेगा कि भाई तू भी मेरे क्रू को ज्वाइन कर ले। लेकिन यहाँ पर ही चीजें काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है क्योंकि लुफी तो आइसबर्ग को बोलेगा उसके क्रू को ज्वाइन करने के लिए, लेकिन बात आएगी थाउजेंड सनी को बनाने की तो वो तो अपना फ्रैंकी ही बनाएगा। और लास्ट में जब लुफी के जाने की बारी आएंगी तब फ्रैंकी के घर वाले उसको भी लुफी के साथ में भेज देंगे, तो यहाँ पर फ्रैंकी भी लुफी के क्रू को ज्वाइन कर लेगा। फिर आगे चल के हम बढ़ेंगे थ्रिलर बार्क की ओर जहाँ पर हमारी मुलाकात होगी ब्रुक से। ब्रुक से मुलाकात होने के बाद में हम उसके शैडो को वापस लेने के लिए पहुंचेंगे सीधा गेको मौर्या की तरफ, जहाँ पर थ्रिलर बार्क के अंदर लुफी दो और बंदों को अपने क्रू के ऊपर इन्वाइट करता है, जिनमें से एक है अपना जॉम्बी ट्री और दूसरा है अपना जॉम्बी यूनिकॉर्न। और ये दोनों भाई लुफी के क्रू के सबसे ज्यादा कम टाइम तक रहने वाले मेंबर्स बनेंगे क्योंकि जब लुफी गेको मौर्या को हराएगा तब उनकी शैडो उनके ओनर के पास में वापस चली जाएगी। फिर उसके बाद में हम सीधा पहुंचेंगे साबाओडी पे जहाँ पर भाई अपने कुमा भाई साहब हमको फिर से टेलीपोर्ट करा देंगे। लेकिन यहाँ पर अभी स्टोरी में बहुत बड़ा वाला एक चेंज रहेगा क्योंकि एज जो है वो स्टार्टिंग से लेके हमारे
हमारे साथ ही है। इसका मतलब वो ना ही कभी व्हाइट बियर्ड से मिला, ना ही कभी वो ब्लैक बियर्ड से मिला। तो इसके चलते अपना जो एस है वो लास्ट तक जिंदा रहेगा, क्योंकि मरीनफोर्ड वॉर वो तो कभी होगा ही नहीं। तो यहाँ पर अपना व्हाइट बियर्ड भी जिंदा रहेगा और ना ही ब्लैक बियर्ड व्हाइट बियर्ड के पावर्स को चोरी कर पाएगा। लेकिन अगर फ्यूचर में जब व्हाइट बियर्ड मरने की कगार पे होगा तो ब्लैक बियर्ड अपनी चाल चल सकता है, तो शायद से उसी टाइम पर वो व्हाइट बियर्ड के पावर्स को चोरी कर लेगा। तो अभी यहाँ पर एक बहुत बड़ी वाली प्रॉब्लम है कि टाइम स्किप होगा या नहीं होगा। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि टाइम स्किप होगा, या तो लूफी और उसका क्रू 2-3 साल की ट्रेनिंग से जाएगा, क्योंकि आगे चल के उनको पता चलेगा कि उनका क्रू काफी ज्यादा वीक है, इसलिए उनको ट्रेनिंग तो करनी पड़ेगी। तो साबावड़ी के ऊपर जब कुमाऊं उनको अलग अलग आइलैंड के ऊपर टेलीपोर्ट करा देगा, और टाइम स्किप के बाद में वो लोग जाएंगे फिशमैन आइलैंड के ऊपर। फिशमैन आइलैंड के ऊपर जाने के बाद में वो लोग जिम्बे से नहीं मिलेंगे, क्योंकि इस टाइम व्हाइट बियर्ड जिंदा रहेगा। इसका मतलब फिशमैन आइलैंड की टेरिटरी उसके अंदर ही आएगी। तो यहाँ पर जिम्बे आराम से अपने ओवरलॉर्ड की पदवी संभाल रहा होगा। या अगर हमको जिम्बे फिशमैन आइलैंड के ऊपर देखने को मिलता है तो लास्ट में जाके जिम्बे लूफी को अपना ब्लड देगा, और लूफी के एक बार बोलती जिम्बे पहली बार में ही लूफी के क्रू को ज्वाइन कर लेगा। उसके बाद में हम जाएंगे सीधा पंख हजार के ऊपर, जहाँ पर लूफी ने किनेमोन के लेग्स को इनवाइट करा था। उसने लिटरली किनेमोन को नहीं बोला था, उसने किनेमोन के लेग्स को बोला था कि मेरे क्रू को ज्वाइन कर लो। लेकिन यहाँ पर बात किनेमोन के लेग्स की हो रही है, तो भाई किनेमोन के ठीक होने के बाद में वो भी क्रू को ज्वाइन कर सकता है। आगे चल के वो सेंटोर लेपर्ड मैन को भी अपने क्रू के ऊपर इन्वाइट करता है, और अपने लेपर्ड मैन के ज्वाइन होने के बाद में ही अपना मोमो भी ज्वाइन ही कर लेगा। और जब लूफी काइडो को हरा देगा तब अपना मोमो और किनेमोन दोनों ऑफिशियली स्ट्रॉइड को ज्वाइन कर लेंगे, और जो वानो की गद्दी है वो मोमो की बहन संभाल लेगी। आगे चल के हम जाएंगे डेसरोसा आर्क के अंदर, जहाँ पर कोई भी न्यू क्रू मेंबर ज्वाइन नहीं करेगा। लेकिन वहाँ पर अभी हमारी मुलाकात होगी हमारे पुराने वाले क्रू मेंबर से, जो कि साबो रहेगा। साबो की इस टाइम तक मेमोरीज वापस आ जाएंगी और वो लूफी को ज्वाइन कर लेगा। लेकिन यहाँ पर अभी साबो रेवोल्यूशनरी आर्मी का भी मेंबर रहेगा और एक स्ट्रॉइड का भी मेंबर रहेगा। डेसरोसा आर्क के अंदर लूफी की एक बहुत बड़ी वाली ग्रैंड फ्लीट बनती है, उनको हम थोड़ा अलग ही रखेंगे। अगर उनको क्रू के अंदर इंक्लूड कर लिया तो भाई लूफी का क्रू काफी ज्यादा बड़ा हो जाएगा। ऐसी सिमिलर चीज हुई थी फॉक्सी के साथ में, जहाँ पर सारे के सारे फॉक्सी पायलट ने लूफी के क्रू को ज्वाइन कर लिया था। अगर उनको भी मैंने परमानेंटली उसके क्रू के अंदर इंक्लूड कर दिया तो वो काफी ज्यादा फनी हो जाएगा, क्योंकि रियल वन पीस के वर्ल्ड के अंदर लूफी ने उस वाले अलायंस को बस 3-4 मिनट के लिए रखा था, बाद में उसने सबको क्रू से बाहर निकाल दिया था। तो डेसरोसा के बाद में हम जाएंगे सीधा होल केक आइलैंड सागा के अंदर, जहाँ पर पूरे सागा के अंदर बस एक ही न्यू क्रू मेंबर ज्वाइन करेगा, जो कि रहेंगी अपनी कैरट। और उसके ज्वाइन होने के बाद में हम सीधा जाएंगे वालों को नहीं, जहाँ पर दो न्यू मेंबर्स अपना वेट कर रहे होंगे, जो कि रहेगी तामा और यामाटो। और हाँ, कैरबू भी ज्वाइन कर सकता है, क्योंकि उसने फाइनल बैटल के टाइम पे लूफी को मीट खिलाया था। ऐसा देखा जाए तो भाई वही बंदा था जिसकी वजह से लूफी काइडो को हरा पाया था। और वानो के बाद में हम सीधा जाएंगे एगहेड के अंदर, जहाँ पर डॉक्टर वेगापंक या बोनी, इन दोनों में से कोई भी ज्वाइन कर सकता है। तो देखा जाए तो ये वाली टाइमलाइन इतनी कुछ ज्यादा बुरी भी नहीं है, क्योंकि इस वाले टाइमलाइन के अंदर ये सपना जिंदा है और साबो भी अपनी साथी है, मतलब तीनों के तीनों मॉन्स्टर ट्रियो। हाँ, लेकिन इस वाले टाइमलाइन के अंदर अपना टोनी चॉपर हमारे साथ में नहीं रहेगा। एगहेड आर्क के खत्म होती ही एल्बाफ आर्क अपने गॉड डी उसाब के लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट आर्क होने वाला है, क्योंकि अपने गॉड उसाब जो है वो एल्बाफ के ऊपर रहने वाले जायंट वॉरियर से काफी ज्यादा इंस्पायर्ड है, और अपने सफर के अंदर उन जायंट वॉरियर्स की ब्रेवरी देख के साथ साथ अपने डुअल के प्रति उन लोग का प्राइड देख के गॉड उसाब उन लोग से काफी ज्यादा इम्प्रेस हो गए थे, और उन्हीं की तरह भाई आगे चल के अपने गॉड उसाब सी का एक ब्रेव वॉरियर बनना चाहते हैं। और जैसा कि हमने पिछले कुछ आर्क्स के अंदर देखा है कि होल केक आइलैंड के ऊपर सांजी का कैरेक्टर डेवलपमेंट हुआ है, और वानो के अंदर अपने जोरो का काफी बढ़िया से कैरेक्टर डेवलपमेंट हुआ है, वैसा ही भाई एल्बाफ के ऊपर हमको अपने गॉड उसाब का कैरेक्टर डेवलपमेंट भी देखने को मिल सकता है। उसाब को वन पीस के स्टार्टिंग से ही काफी ज्यादा वीक और झूठ बोलने वाला कैरेक्टर दिखाया गया है, लेकिन हमको भी पता है कि जैसे जैसे वन पीस की स्टोरी आगे बढ़ी वैसे वैसे भाई उसाब के झूठ भी सच साबित होने लग गए। यहाँ पर हमको एक टाइम के लिए लग रहा था कि भाई उसाब जो है वो बस एक नंबर का फेक हुआ, लेकिन उसकी बोली हुई बातें जब सच साबित होने लगी तभी हमको उसके ऑब्जर्वेशन हाकी का पता चला। हमको पता चला कि क्यों उसाब को एक गॉड का टाइटल मिला है। हमने उसाब को बहुत बार अपनी ऑब्जर्वेशन हाकी का यूज करते हुए देखा है, लेकिन भाई वो काफी ज्यादा कम टाइम के लिए था। भले ही वो वन पीस के मूवीज के अंदर हो या वन पीस के लेटेस्ट एपिसोड्स के अंदर, उसाब की जो हाकी है वो बचपन से ही उसके पास में है। जब उसने बोला था कि उसके टाउन के ऊपर पायरेट्स का हमला होने वाला है, जो कि आगे चल के सच हो गया था, लेकिन उस टाइम कोई भी उसके ऊपर बिलीव नहीं कर रहा था क्योंकि वो काफी ज्यादा झूठा था। आगे चल के उसके ऐसे बहुत सारे झूठ सच साबित हो गए, लेकिन ये बंदा
भाई अपने झूठ को सच साबित होते हुए देख के खुद शौक में चला जाता है। उस सब के पास में ऑब्जर्वेशन आंखी होने का एक बहुत बड़ा वाला रीजन है जो कि है उसके डैड। हमने वन पीस के रेड मूवी के अंदर भी देखा है कि भाई एक टाइम के लिए उस सब की जो ऑब्जर्वेशन आंखी है वो उसके डैड के ऑब्जर्वेशन आंखे को सरपास कर रही थी। भले ही अभी उस सब को अपने ऑब्जर्वेशन आंखे के बारे में ना पता हो या उसको अच्छे से यूज ना करना आता हो, लेकिन जब लूफी का क्रू एल्बाब के ऊपर जाएगा तब हमको उस सब को लेकर काफी बड़े वाले चेंजेस देखने को मिलेगा। जहाँ पर हम बात करें उसके ऑब्जर्वेशन आंखी को मास्टर करने की या सी का ब्रेव वॉरियर बनने की, यहाँ पर उसाब की जो ऑब्जर्वेशन आंखी रहेगी वो बाकी लोगों से काफी ज्यादा डिफरेंट रहेगी, क्योंकि उसाब जो है वो जाने अनजाने में सालों बाद की जो चीज होने वाली है उसको भी भाई प्रेडिक्ट कर सकता है। एक टाइप से अपने गॉड उसाब के पास में फ्यूचर साइट है जो कि भाई नॉर्मल ऑब्जर्वेशन आंखी से काफी ज्यादा गुना बेटर है, क्योंकि नॉर्मल ऑब्जर्वेशन आंखी में लोग बस अपने ओपोनेंट के कुछ मूव्स देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर भाई अपने गॉड उसाब की ऑब्जर्वेशन आंखी एकदम से नेक्स्ट लेवल है, जो कि सालों बाद क्या चीज होने वाली है उसको भी टाइम पास में प्रेडिक्ट कर लेते हैं। अभी भी उसाब के ऐसे बहुत सारे झूठ है जो कि सच साबित नहीं हुए हैं, जिसके अंदर से ही एक झूठ यह है कि भाई बिग मॉम की जो कॉन्करर्स आंखी है वो मेरी है। इसका मतलब यह है कि भाई आगे चल के उसाब के पास में हमको भाई योंको लेवल कॉन्करर्स आंखी देखने को मिलेगी। हमको नहीं पता है कि उसाब का हर एक झूठ आगे चल के वन पीस के अंदर सच होने वाला है या नहीं, लेकिन एल्बाफ आर्क उसको एक ब्रेव वॉरियर बनने में काफी ज्यादा मदद कर सकता है। और अभी टाइम आ चुका है कि अपने गॉड उसाब दुनिया को अपने ट्रू पावर्स दिखाए। आखिर क्यों एल्बाफ आर्क वन पीस का आज तक का सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट आर्क होने वाला है? तो देखो, वन पीस के स्टार्टिंग से ही हमने एल्बाफ का नाम बहुत बार सुना है, खास करके एल्बाफ शैंक्स की टेरिटरी है इसीलिए, या एल्बाफ के ऊपर जायंट्स रहते हैं इसीलिए, और जायंट्स का वन पीस के अंदर स्टार्टिंग से ही काफी बड़ा वाला रोल रहा है। जहाँ पर बात करें जॉय बॉय की, ऐसा बोला जाता है कि जॉय बॉय जो है वो एक जायंट हुआ करता था, जो कि हमको समझ में भी आता है क्योंकि हमने उसके जायंट स्ट्रॉयड मरिजुआ के अंदर देखी थी। और बाकी किसी स्ट्रॉयड्स के लिए एल्बाफ इतना इम्पोर्टेंट हो ना हो, लेकिन रॉबिन और उसाब के लिए एल्बाफ आर्क काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलो पहले हम बात करते हैं रॉबिन की। जब एगेड के ऊपर पहली बार रॉबिन वेगापंक से मिली थी तो वहां पर उसको एक काफी ज्यादा शॉकिंग चीज पता चली थी। वेगापंक ने रॉबिन से बोला था कि जैगुआर डी सोल जो है वो अभी जिंदा है और वो अभी फिलहाल ओरा से जितनी सारी चीजें बस्टर कॉल के बाद में बची थी उनको लेके एल्बाफ के ऊपर जाके रह रहा है। और ऐसा भी बोला जाता है कि जो मैन मार्क बाय फ्लेम है जिसके पास में लास्ट रेड पोनीग्लिफ है वो जैगुआर डी सोल है। भले ही अभी हमें ये नहीं पता है कि जैगुआर डी सोल के पास में ब्लैक कलर की शिप है या नहीं, लेकिन अगर ऐसा होता है उसी के पास में लास्ट रेड पोनीग्लिफ होता है तो भाई इन दोनों का रियूनियन काफी ज्यादा अच्छा रहेगा और यही से स्टोयर्स को उनका लास्ट रेड पोनीग्लिफ भी मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि भाई सोल डी जैगुआर ने उसके पास का पोनीग्लिफ भाई शैंक्स को देके रखा हो, क्योंकि वो उसके टेरिटरी के अंदर आता है। तो चलो अभी बात करते हैं अपने गॉड डी उसाब की। तो आप में से बहुत सारे लोगों को पता ही होगा कि अपने गॉड डी उसाब जो है वो एल्बाफ के ऊपर के जायंट से काफी ज्यादा इंस्पायर्ड है। और जैसा कि हमने होल केक आइलैंड के ऊपर सांजी का कैरेक्टर डेवलपमेंट देखा, वानो कंट्री के अंदर अपने जोरो का कैरेक्टर डेवलपमेंट देखा, वैसे ही अभी एल्बाफ के ऊपर हमको गॉड डी उसाब का बहुत बढ़िया से कैरेक्टर डेवलपमेंट मिलेगा, क्योंकि उसाब स्टार्टिंग से ही एल्बाफ आइलैंड को देखने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड है जैसे कि हम लोग। और एल्बाफ के ऊपर ही उसाब अपने ऑब्जर्वेशन आंखी को अच्छे से यूज करना सीख जाएगा। अगर वो सच में चाहता है कि 8000 फॉलोअर्स का वो मास्टर बने तो उसको भाई कॉन्करर्स आंखी भी सीखना पड़ेगा। और यहाँ पर बात एल्बाफ की हो रही तो हम शैंक्स को कैसे भूल सकते हैं? तो देखो, अगर शैंक्स हमको किसी वजह से एल्बाफ के ऊपर देखने को मिलता है, जो कि मुझे नहीं लग रहा है कि शैंक्स इस टाइम पे एल्बाफ के ऊपर ही रहेगा, क्योंकि लास्ट टाइम शैंक्स ने सीधा सीधा बोल दिया था कि अभी टाइम आ चुका है वन पीस को क्लेम करने का। तो यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि शैंक्स सीधा वन पीस को क्लेम करने के लिए चला गया हो। अगर यहाँ पर ऐसा नहीं होता है और शैंक्स भाई लूफी की ग्रैंड फ्लीट को रोकने के लिए एल्बाफ के ऊपर आ जाता है तो यहाँ पर मल्टीपल पॉसिबिलिटीज हो जाती है। पहली बात तो है कि भाई उसाब और उसके फादर का रियूनियन हो सकता है, और हम लूफी और शैंक्स के रियूनियन के बारे में कैसे बोल सकते हैं? लेकिन यहाँ पर मुझे ऐसा नहीं लगता है कि भाई इतना जल्दी शैंक्स लूफी से मिलेगा। और जैसा कि ओडा सेंसी ने जंप फेस्टा के टाइम पे बोला था कि आगे चल के दो बहुत बड़े वाले कैरेक्टर के बीच में फाइट होने वाली है, तो मुझे वो दो बहुत बड़े वाले कैरेक्टर शैंक्स और ब्लैकबियर्ड लग रहे हैं, क्योंकि लास्ट टाइम हमने ब्लैकबियर्ड की शिप एगेड के ऊपर देखी थी। लेकिन अभी लेटेस्ट चैप्टर भी आ गया लेकिन ब्लैकबियर्ड जो है वो एगेड के अंदर नहीं आया है। तो यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि जो ब्लैकबियर्ड है वो सीधा एल्बाफ के साइड में बढ़ गया हो, और जो ब्लैकबियर्ड ने शैंक्स के मुंह के ऊपर जो स्कार दिया है उसका बदला तो भाई शैंक्स जरूर लेना चाहेगा। और हो ना हो ब्लैकबियर्ड ही एक ऐसा रीजन बनेगा जो कि एल्बाफ के ऊपर स्ट्रॉयड्स और रेडेड पायरेट्स का रियूनियन नहीं होने देगा। अगर यहाँ पर ऐसा होता है कि ब्लैकबियर्ड एगेड के ऊपर जाके सीधा सैटन के डेलफुड्स की पावर्स को चोरी कर लेता है तो वो आगे चल के एल्बाफ के ऊपर काफी ज्यादा ओवर पावर हो सकता है, बाद में वो शैंक्स को भी मार सकता है। तो अगर यहाँ पर ऐसा होता है कि ब्लैकबियर्ड अपने कलेक्शन के अंदर और एक डेलफुट ऐड कर लेता है तो वो आगे चल के भाई शैंक्स के लिए भी काफी ज्यादा बड़ा खतरा बन सकता है। और मैं ऐसा नहीं चाहता कि भाई ब्लैकबियर्ड एल्बाफ के ऊपर शैंक्स को मार दे फिर बाद में शैंक्स
शैंक्स के मरते टाइम पर लूफी और शैंक्स का रीयूनियन हो, जहाँ पर शैंक्स लूफी से बोले कि ये जो स्ट्रॉ हैट है वो स्टार्टिंग से ही तेरी थी। पता नहीं यहाँ पर मैं शायद से कुछ ज्यादा ही सोच रहा हूँ, मुझे तो नहीं लगता है कि भाई शैंक्स का इतना जल्दी दी एंड होगा। तो अगर सच में यहाँ पर ऐसा होता है तो भाई लूफी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाएगा, क्योंकि ब्लैक बियर्ड ऐसा एक रीजन बनेगा जिसकी वजह से भाई लूफी के दो सबसे करीबी लोग मारे गए। तो देखो, एगेड का मेन विलन सैटन था, वैसे एल्बाब का मेन विलन शैंक्स तो नहीं हो सकता, तो वही पर ही एंट्री होती है अपनी ब्लैक बियर्ड की। क्योंकि अगर एक गुरु से मारा जाता है तो भाई दूसरे आइलैंड के ऊपर और एक गुरु से को नहीं भेज देंगे, और भाई फाइव एल्डर्स और इमू के अलावा भी लूफी की मुलाकात और भी कैरेक्टर से होनी चाहिए। जैसे कि हम बात करें क्रॉस गिल्ड की, जिसके अंदर क्रोकोडाइल, मियोक और बगी है, शैंक्स और सबसे लास्ट में आता है ब्लैक बियर्ड। और जिस दिन लूफी को पता चलेगा कि भाई ब्लैक बियर्ड ने उसके ग्रैंडपा के साथ में क्या करा है, तो यहाँ पर भाई लूफी वन पीस के बारे में भूल ही जाएगा और सीधा जाके ब्लैक बियर्ड की गुद्दी पकड़ेगा। क्योंकि जब से लूफी के लाइफ में ब्लैक बियर्ड की एंट्री हुई है, तब से भाई ब्लैक बियर्ड लूफी के चाहने वाले लोगों को ही किडनैप करके रखता है। सबसे पहले उसने एस को नेवी के हवाले करके मरवा दिया, बाद में उसने कोबी को बेड बना के अपने ग्रैंडपा को भी किडनैप करके रख लिया, और इतना कुछ काफी नहीं था कि अपनी बुआ की पावर्स को भी चोरी करना चाहा, बाद में उसने पुडिंग को भी किडनैप करके रखा है। तो अभी मुझे तो लगता है कि ब्लैक बियर्ड के पापों का घड़ा तो भर चुका है और वही हमारे एल्बाब का मेन विलन बनेगा। और भी एल्बाब को लेकर काफी बड़ी वाली चीजें हो सकती है, जैसे कि हमको एल्बाब के ऊपर जायंट्स का प्रिंस लोकी भी देखने को मिलेगा। हाँ, वही लोकी जिसकी शादी बिग मॉम की बेटी से होने वाली थी, और ब्लैक बियर्ड एल्बाब के ऊपर आता है तो हमको उसके पीछे पीछे बिग मॉम पायरेट्स भी देखने को मिलेंगे। क्योंकि ब्लैक बियर्ड जो है वो पुडिंग को किडनैप करके घूम रहा है, इसीलिए पुडिंग को बचाने के लिए बहुत सारे बिग मॉम पायरेट्स उसके पीछे एल्बाब के ऊपर आ सकते हैं, और इसी के चक्कर में हमको पुडिंग फिर से देखने को मिलेंगी और काताकोरी और लूफी का फिर से रियूनियन या रीमैच हो सकता है। और बिग मॉम का और एल्बाब का काफी गहरा कनेक्शन है, क्योंकि भाई बिग मॉम ने एक जायंट से शादी करी थी। अगर आप नॉर्स माइथोलॉजी को थोड़ा बहुत जानते हैं तो आपको पता ही होगा कि भाई जायंट और गॉड्स का क्या चक्कर है। तो यहाँ पर वन पीस के केस के अंदर गॉड्स जो है वो सेलेस्टियल ड्रैगन है, और अगर सच में गॉड सब 8000 जायंट्स को अपना फॉलोअर्स बना लेता है तो भाई वो आगे चल के भाई सेलेस्टियल ड्रैगन के ऊपर काफी बड़ा वाला वॉर छेड़ सकता है। तो एल्बाब आर्क को लेकर मल्टीपल पॉसिबिलिटीज निकल के आती है। अब तो ये ओडा सेंसे को ही पता है कि वो एल्बाब को लेकर क्या कुक करना चाहते हैं। आखिर कौन है जॉय बॉय? वन पीस के लेटेस्ट एपिसोड के अंदर हमने जॉय बॉय का नाम बहुत बार सुना है, लेकिन रियलिटी में वन पीस के वर्ल्ड के अंदर हमको जॉय बॉय के बारे में इतना कुछ बताया नहीं गया, ना ही हमको उसके बारे में ज्यादा कुछ पता है। वन पीस के वर्ल्ड के अंदर हमने सबसे पहले जॉय बॉय का नाम सुना था फिशमैन आइलैंड के ऊपर, जहाँ पर निको रॉबिन ने एक पोनीक्लिप को पढ़ा था, जिसके ऊपर जॉय बॉय ने फिशमैन आइलैंड के लोगों से माफी मांगते हुए कुछ लिखा था। जहाँ पर हमको पता चलता है कि जॉय बॉय ने फिशमैन आइलैंड के लोगों से बोला था कि जो जायंट शिप है नोवा, उसका और पोसाइडन की पावर्स का यूज करके वो पूरी की पूरी फिशमैन आइलैंड को सरफेस के ऊपर लेके आएगा। जहाँ पर फिशमैन आइलैंड के लोगों का बहुत पहले से ड्रीम रहा है कि वो बाकी और लोगों के साथ में आके सरफेस के ऊपर रहे, जहाँ पर नॉर्मल लोग उन्हें नाइस लेव की तरह देखे, ना ही किसी एंटिक पीस की तरह देखे कि भाई ये कुछ ज्यादा ही रियल टाइप का जानवर आ गया। लेकिन यार किसी रीजन की वजह से जॉय बॉय अपने प्रॉमिस को पूरा नहीं कर पाता है, इसलिए वहां पर पोनीक्लिप के ऊपर जॉय बॉय ने फिशमैन आइलैंड के लोगों से माफी मांगी है। जहाँ पर हमको पता है कि जॉय बॉय नाम का बंदा 800 सालों पहले वाइल्ड सेंचुरी के अंदर एग्जिस्ट करता था, लेकिन जब बीस किंगडम मिलके वर्ल्ड गवर्नमेंट बनी तब उन लोग ने पूरी की पूरी वाइल्ड सेंचुरी के बारे में जितनी इन्फॉर्मेशन थी वो सारी सारी मिटा दी। यहाँ तक कि जो लोग वाइल्ड सेंचुरी के बारे में इन्फॉर्मेशन रखते थे या वाइल्ड सेंचुरी की लैंग्वेज को पढ़ सकते थे, उन सभी को मिटा दिया। जहाँ पर वर्ल्ड गवर्नमेंट ने पूरे के पूरे ओहरा को ही बस्टर कॉल के अंदर उड़ा दिया। उसके बाद में हमें लेटेस्ट एपिसोड के अंदर पता चला कि वर्ल्ड गवर्नमेंट 800 सालों से एक डेविल फ्रूट के पीछे पड़ी है, जो कि अभी लूफी के पास में है, जिसको हमें शो के स्टार्टिंग से गम गम फ्रूट के नाम से बताया जा रहा है। लेकिन हमको लेटेस्ट एपिसोड के अंदर पता चला कि जो लूफी का डेविल फ्रूट है वो मिथिकल जोन फ्रूट है, जिसका नाम है 8809 मॉडल निका, जो कि जॉय बॉय का डेविल फ्रूट है। इसीलिए जब लेटेस्ट एपिसोड के अंदर लूफी काइडो के हाथ से मारा जाता है, अपनी डेविल फ्रूट को अवेकन कर लेता है, तब हम देखते हैं कि जुनिशा बोल रहा है कि जॉय बॉय अभी 800 सालों के बाद में फिर से इस दुनिया में वापस आ चुका है, और मैं 800 सालों से ही जॉय बॉय के रिटर्न का वेट कर रहा था। जहाँ पर हमको पता है कि जो जुनिशा है वो एक जॉय बॉय का कंपेनियन है, जिसको जॉय बॉय ने उसके किसी क्राइम की वजह से पनिशमेंट दिया है, जिसके वजह से वो समंदर के चक्कर काटता रहता है। और जब तक जुनिशा को कोई वॉइस ऑफ ऑल थिंग्स का यूज करके कोई अदर ऑर्डर नहीं देता, तब तक वो अपनी पनिशमेंट को दोहराता रहेगा। जहाँ पर हम देखते हैं कि जुनिशा को बस दो ही लोग ऑर्डर दे सकते हैं, एक तो है अपना मंकी डी लूफी जो कि जॉय बॉय है, सेकंड है अपना मोमानोस्के जिसके अंदर ओडेन का खून बह रहा है। तो बात करें वन पीस की तो हमको पता है कि वन पीस जॉय बॉय का ट्रेजर है, जो कि उसने लाप टेल के ऊपर छोड़ के रखा है, और अपना पायरेट किंग गोल्डी रॉजर पहला बंदा था जिसने वन पीस को ढूंढा था, और उस टाइम जॉय बॉय के साथ में वहां पर ओडेन भी था, इसलिए ओडेन को पता था कि जॉय बॉय अभी 20 सालों के बाद में वानो के अंदर अपेयर होने वाला है, इसलिए वो अपने वानो के गेट जॉय बॉय के वेलकम के लिए
खोलना चाहता था, लेकिन उसके पहले वो मर जाता है। ओडिन ने अपनी पूरी की पूरी जर्नी को अपने जनरल के अंदर लिख के रखा था, जिसकी वजह से काइडो और किंग को जोएबा के बारे में पता चलता है। लेकिन ओडिन ने अपने मरने से पहले अपने जनरल के अंदर से इम्पोर्टेंट पेजेस को फाड़ दिया था, जहाँ पर जब यमाटो को ओडिन का जनरल मिलता है तो उसके अंदर से कुछ पेजेस गायब रहते हैं। जहाँ पर जब काइडो को पता चलता है कि जोएबा अपने मरने के टाइम पे अवेकन होगा, इसीलिए वो बार बार मरने का ट्राई करता रहता है। उसको लगता था कि वो खुद जोएबा है, क्योंकि वो किसी भी फाइट के अंदर हारा नहीं था, इसीलिए वो बार बार मरने का ट्राई कर रहा था, लेकिन हर बार वो जिंदा बच जा रहा था। लेकिन इतना सब ट्राई करने के बाद में जब उसको पता चलता है कि वो तो जोएबा नहीं है, इसलिए वो किंग को बोलता है कि जोएबा वो बंदा रहेगा जो कि मुझे हराएगा। जहाँ पर किंग हंसते हुए काइडो को बोलता है कि तुमको हराने वाला अभी तक तो पैदा ही नहीं हुआ, इसका मतलब जोएबा तो एक बस थेरी है। उसके बाद हम देखते कि अपना मंकी डी लुफी 20 साल बाद वानो कुनी में पहुंच जाता है, अपनी डेविल फ्रूट को अवेकन कर लेता है और एक बार फिर से 800 सालों बाद जोएबा इस वाली दुनिया के अंदर आ जाता है अपने प्रॉमिस को पूरा करने के लिए। जहाँ पर जोएबा एक अफ्रीकन गॉड भी था, जो कि गॉड था होप और म्यूजिक का, जिसने स्लेवरी कम करके लोगों के अंदर जॉय और म्यूजिक को प्रमोट करा था। वो अपने ड्रम्स को बजा के लोगों के बीच में हैप्पीनेस को लाता था। जहाँ पर हमको वन पीस के वर्ड के अंदर भी जोएबा को इसी तरह से रिप्रेजेंट करा गया है। हमें वन पीस के वर्ड के अंदर बताया गया है कि जब जोएबा का रिटर्न होगा तब वो सभी लोगों के मुंह के ऊपर एक स्माइल रखेगा अपने ड्रम्स ऑफ लिबरेशन को बजा के। जहाँ पर हमने स्काइपिया आर्क के अंदर भी देखा था कि सब लोग अपने टेंशन और अपने दुख को भूल के बस हंस रहे थे और इंजॉय कर रहे थे, क्योंकि वन पीस के वर्ड के अंदर भी बहुत सारे स्लेवरी और बहुत सारी डार्क चीजें हैं। जहाँ पर कुछ लोगों को अपर दिखाया जाता है, कुछ लोगों को लोअर दिखाया जाता है, जहाँ पर सिनिस्टर ड्रैगन इंजॉय कर रहे और बाकी लोगों को अपना स्लेव बना के घूम रहे। जहाँ पर वन पीस के वर्ड के अंदर मिंग्स है, जो कि लोगों से छुप के रहते हैं, और फिशमैन है जो कि पानी के अंदर रहते हैं। इन सभी ह्यूमंस हो गया, सिनिस्टर ड्रैगन हो गया, फिशमैन हो गया, मिंग्स हो गया, इन सभी के बीच में भेदभाव करा जाता है, सबको इक्वल नहीं माना जाता है। इसलिए जोएबा का एक ड्रीम होगा कि जहाँ पर हर टाइप के लोग रह सके, वहाँ पर किसी टाइप का भी भेदभाव ना हो, वहाँ पर हर टाइप के लोगों को इक्वली ट्रीट करा जाए, जहाँ पर हर लोग खुशी खुशी रह सके। जैसे कि हमने रिसेंट चैप्टर के अंदर देखा था कि क्रॉस गिल्ड ने सभी के सभी एडमिरल्स के ऊपर बाउंटीज लगा के रखी थी, जहाँ पर लोग इतने ज्यादा भूखे हो चुके थे कि उन्होंने सीधा एडमिरल को मार दिया और वो बाउंटी कलेक्ट कर ली, क्योंकि वहाँ पर लोगों को खाने को नहीं मिल रहा था। जब लुफी काइडो को अपनी बजरंग गन से हरा रहा होता है, तब काइडो लुफी से एक क्वेश्चन पूछता है कि तुम किस टाइप का वर्ड बनाना चाहते हो। जहाँ पर लुफी काइडो को बोल रहा होता है कि मैं इस टाइप का वर्ड बनाना चाहता हूँ जहाँ पर कोई भी बंदा खाली पेट ना सो। तो जोएबा और लुफी की थिंकिंग एक ही तरह की है, दोनों मिलकर एक ही टाइप का वर्ड बनाना चाहते हैं। तो चलो, अभी 800 सालों बाद जोएबा अभी वापस आ चुका है, अभी देखते हैं जोएबा अपनी पुराने वाले प्रोमिसेस को पूरा कर पाता है नहीं कर पाता है। वाइट सेंचुरी के बारे में हमको थोड़ा वो देखेड के ऊपर पता चला था, जहाँ पर हमने एक जायंट रोबोट को देखा था, इसलिए हमको पता चलता है कि वाइट सेंचुरी कुछ ज्यादा डेवलप थी अपने टाइम से पहले, जहाँ पर इतने बड़े बड़े जायंट रोबोट तक थे। शायद से पूरी की पूरी वाइल्ड सेंचुरी इतनी ज्यादा डेवलप नहीं रही होंगी। वाइल्ड सेंचुरी के अंदर एक ऐसा किंगडम होगा जो कि डेवलप होगा, और उस वाले किंगडम का रूलर जोएबा हो सकता है। उस वाले किंगडम के ऊपर अलग अलग टाइप के लोग रहे होंगे, इसलिए उन लोग ने इतनी ज्यादा डेवलपमेंट कर ली होंगी, लेकिन उन लोग की डेवलपमेंट बाकी अदर 20 कंट्रीज को पसंद नहीं आई होंगी, इसलिए उन लोग ने वर्ल्ड गवर्नमेंट को बनाया और उस कंट्री को एग्जिस्टेंस ही मिटा दिया, जिसकी वजह से जोएबा ने जो प्रॉमिस करा था फिशमैन आइलैंड के लोगों से, वो वाला प्रॉमिस वो पूरा नहीं कर पाया। जहाँ पर शायद से जुनिशा का भी उसके अंदर कोई हाथ हो सकता और शायद से अपने पूरा का पूरा किंगडम डिस्ट्रॉय होने से पहले जोएबा ने अपनी जो स्टडी थी, अपना जो रिसर्च था, या अपने किंगडम्स के जो लोग थे, उन सारे के सारे को लाफ्टेल के ऊपर शिफ्ट कर दिया, वही वन पीस हो। और बाकी बचे जो उसके प्रॉमिस हो लुफी पूरा करेगा, जहाँ पर उसने बोला था कि वो फिशमैन आइलैंड को सरफेस के ऊपर लेके आएगा, और जहाँ पर अभी के जो एंशिएंट वेपन है जो कि है पोसाइडन शीरा उसी, उसके पावर्स का यूज करके वो पूरे के पूरे फिशमैन आइलैंड को सरफेस के ऊपर लेके आएगा। तो अपना मंकड़ी लुफी जोएबा है जो कि अपने पुराने प्रॉमिस को पूरा करेगा और वन पीस के वर्ड के अंदर स्लेवरी और बाकी जो चीजें उनको खत्म करेगा। तो होपफुली आपको आज का वीडियो पसंद आ गया होगा, तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।